आम आवाम के मसाइल क्या हैं कि बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो उन्हें मिलें, महंगाई ज़रा कम हो। IMF से मुआहदा तो हो गया लेकिन इसके बावजूद आवाम परेशान और मायूस नज़र आ रहे हैं। शहरी क्या कहते हैं, महंगाई की शराब में कमी होनी चाहिए और उनको जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मिलनी चाहिए। सुनते हैं ज़रा शहरियों की दुहाई। आवाम को तो सच लॉस ही कंटिन्यूसली हो रहा है, चाहे वो फ्यूल की प्राइसेस ले लें आप या आप बिजली के रेट्स के ले लें जो कि कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं। आवाम तो परेशान ही है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पे आ गया है, पेट्रोल महंगा है, रोज़मर्रा की अशिया महंगी है, तो इसमें तो हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो IMF ने जो कर्ज़ा दिया ये तो उनके लिए जिन्होंने कर्ज़ा लिया है। ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि कुछ पता ही नहीं कि क्या होना है। तो आवाम तो खैर ये वो सियासतदान है जो काफ़ी अरसे से इस मुल्क में ख़ानदान दर ख़ानदान जो है वो उस्मानी करते हुए आए हैं, इनकी अय्याशी हैं, प्रॉपर्टीज़ बाहर बनाते रहे। ये IMF का जो पैसा है आप ये बताएं कि कभी डायरेक्टली आवाम पे लगा है? कभी भी नहीं लगा, ये उनकी अपनी अय्याशियों पे लगा है और उसका खमियाजा जो है वो आवाम भुगतते हैं। जितने मर्जी डॉलर आ जाएं जब तक हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी, अपनी अफसरशाही में कमी नहीं लाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल जो है ना कोई आम आदमी को तब तक रिलीफ मिल सके। IMF से मुआहदा होने के बाद सबसे पहला जो आवाम को वो महंगाई का बम गिरा वो 5 रुपये बिजली महंगी हो गई। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के हर चीज़ पे इम्पेक्ट आ रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी पे के इलेक्ट्रिक ने उस पर टैरिफ बढ़ा दिया है जिसकी जो उसका इम्पेक्ट आम आवाम पर ही पड़ेगा। कर्जा आता है वो बंधन हमारे ऊपर आता है कि हमको वो उतारना होता है, तो वो पेट्रोल पे आ गया या महंगाई हमारे जो है घर के राशन पे आ गया, कोई मतलब वो हमें उतारना पड़ता है टैक्स जो हम ऊपर देते हैं, लेकिन ये है कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता इससे। आपके आने वाले बच्चे भी मकरूद हैं, उनके आने वाले बच्चे भी मकरूद हैं और हमारी तो हालत तो वही के वही, हमारी तो कोई भी हालत ठीक नहीं होगी। तो अवामी राय आप लोगों ने जानी कि अवाम किस तरह से परेशान हैं और IMF के साथ जो माहदा हुआ है उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें इन्हें लग रहा था कि बेहतरी आएगी लेकिन बेहतरी की कोई सूरत अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही।